गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पार्ट टू शुरू करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 9 2.1। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये है चित्र 7, देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायाधीश है, वोट हो रहे हैं। कार्यपालिका है, इसमें सम्राट है, मंत्री है। विधायिका है, नेशनल असेंबली है जिसमें 745 सदस्य है, वोट हो रहा है। निर्वाचक है जिसमें 50,000 पुरुष है। सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग हैं। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं है लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त नहीं था, उस समय की बात है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था उसका दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बियो द्वारा बनाया गया चित्र दाईं ओर की आकृति फ्रांस को और बाईं ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है। ये है संविधान। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। और यह तीसरा नंबर शुरू हो रहा है चैप्टर, तीसरा नंबर टॉपिक, फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे।
इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों समय से भी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट डी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप अपनी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे, उनकी गतिविधियों के बारे में, अपनी नहीं। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहले पहनने का निर्णय किया। उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का के ऐलान का उनका तरीका था। कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। इसलिए जैकोबिनो को स्वकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। स्वकुलत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा।
बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इस राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ। देशद्रोह, अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। 3.1 आतंकराज। 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की रेशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली क्षमता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन के भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सीतोयेन यानी नागरिक एवं सीतोयीन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यवर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनो के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर
विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब ये चौथा नंबर टॉपिक, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वैश्यवृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल फिलिपिनो की लड़कियां तथा अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर परोसी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों का हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। ये पांच नंबर टॉपिक,
दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई निवेश मार्टिनिक कॉर्डलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू नील चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था। बागानों में श्रम की कमी, इस कमी को यूरोप अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नामते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नामते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई थी। व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ये 6वां नंबर टॉपिक। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहर में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे।
स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। सारांश, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद का को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। और इस तरह से टॉपिक यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।